हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ मोदक। गणेश चतुर्थी आने वाली है इसलिए मोदक बनाना बनता है, तो आज हम बनाएंगे मोदक। मोदक बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में लगभग 1 लीटर दूध ले लिया है खोया बनाने के लिए। अब इसको धीरे धीरे चलाते हुए इसका खोया बनाएंगे। आप चाहें तो खोया मार्केट से ले सकते हैं, या फिर आपके घर में कुछ पेड़े पड़े हों अगर सफ़ेद वाले, तो उनको भी मैश करके थोड़ा सा दूध में उबाल कर और उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मिक्स करके उसका भी भरने के लिए मिक्स तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गाय के दूध का इस्तेमाल किया है। इसको धीरे धीरे चलाते हुए, इसको बराबर चलाते हुए और इसको उबलने नहीं देना है और खोया बनाना है। चलाना इसलिए ज़रूरी है नीचे लगने ना पाए कढ़ाई में। दूध गाढ़ा होने लगा है, देखिए दूध की मात्रा कम हो गई है। इसको बराबर चलाते हुए पका लेते हैं। जब तक हमारा खोया तैयार हो रहा है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और जो बात अच्छी लगे उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यहाँ पे हम इसमें 4 चम्मच चीनी भी ऐड कर रहे हैं जिससे कि खोया मीठा हो जाएगा। अब इसको चला करके एकदम गाढ़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे अलग रख देते हैं। जब तक हमारा खोया ठंडा हो रहा है, तब तक और भी तैयारियाँ कर लेते हैं। एक कढ़ाई लेकर के उसमें हमने 2 चम्मच देसी घी डाला है। घी को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब मैंने इसमें थोड़े से बादाम और काजू काट करके बारीक बारीक ले लिए हैं। लगभग 8-10 काजू हैं, 8-10 ये बादाम हैं। इनको हम भून लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ब्राउन होने तक भूनना है। इसको कंटिन्यूस चलाते रहना है वरना ये बहुत जल्दी लग जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा छोटा सा कटा हुआ है। ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल लिए हैं। एक बार फिर से हम कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 स्पून घी डालेंगे। घी को थोड़ा गर्म हो जाने देंगे। जब घी गरम हो गया है, अब इसमें हम 1 कप सूजी ऐड कर रहे हैं। ये बारीक वाली सूजी है। आप चाहें तो मोटी वाली भी ले सकते हैं, लेकिन बारीक वाली ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि इसको बाद में मैश करना पड़ता है। सूजी को लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इसको लाइट ब्राउन कलर होने तक भूनना है। सूजी हमारी भून चुकी है, कलर इसका चेंज हो गया है। अब इसमें हम दूध ऐड कर रहे हैं। 1 कप सूजी को पकाने के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 ग्लास दूध लिया है। दूध डाल करके इसको अच्छे से पका लेना है। सॉफ्ट डो की तरह
जब ये पक जाता है तो चलाने पर सब एक साथ आने लगता है और कढ़ाई छोड़ देता है, यही इसकी पहचान है। यहाँ पे गैस की आंच हमको मीडियम रखनी है। अब ये हमारा डो तैयार हो गया है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। जब तक हमारी सूजी ठंडी हो रही है तब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। खोए को मिक्स करके थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, उसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। खोया और ड्राई फ्रूट्स एक साथ मिक्स करके रख लेते हैं। अब हम सूजी हमारी ठंडी हो गई है उसको हथेली से मैश कर लेंगे। इसको खूब अच्छे से मसलना है और मसल कर इसको सॉफ्ट डो तैयार करना है इसका। हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे। ये डो जब हमारा तैयार हो जाएगा तो सारा एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। ये हमारा डो तैयार हो चुका है, अब हम मोदक बनाएंगे। हम यहाँ पे बिना मोल्ड के मोदक बनाएंगे। सूजी का थोड़ा सा पार्ट लेंगे, हाथों में पहले घी लगाएंगे, थोड़ा सा पार्ट लेकर के इसको गोल करके इसमें बीच में एक छेद करेंगे। जैसे हम कचौरियाँ भरते हैं वैसे ही इसमें ये खोए की फिलिंग भरेंगे। इसको उंगलियों की सहायता से अंदर दबा करके मोदक का शेप देंगे। अब चाकू की सहायता से इस पे मोदक का शेप बनाएंगे बैक साइड की सहायता से। और ये देखिए हमारा मोदक बनकर तैयार हो गया है। एक और मोदक बनाकर हम दिखा रहे हैं आपको। पहले हमने थोड़ा सा लोई ली, गोल किया, इसको छेद किया, इसमें थोड़ी सी फिलिंग भर रखी। फिर से उंगलियों से धीरे धीरे दबाते हुए इसको मोदक का शेप दे दिया। और ये हमारा मोदक
तैयार हो गया। ये लकड़ी का एक स्पून है, उससे मैं इसमें मोदक का शेप दे रही हूँ, डिज़ाइन बना रही हूँ। आप घर में पड़ी हुई किसी भी ऐसी चीज़ से इसमें मोदक की लाइनें बना सकते हो। इसी प्रकार से सारे मोदक तैयार कर लूँगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा। इन मोदकों को बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ें जो घर में आसानी से इस्तेमाल हो सकती हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया है। थैंक यू।